अब यहां थोड़ा सा सिक्योरिटी लॉ पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, सिक्योरिटी लॉ, ठीक है, एकदम शांत हो जाओ, देखते रहो इधर, देखिए इधर देखिए, शांति से देखो, ये थोड़ा सा सिक्योरिटी लॉ आएगा, आ जाओ, ये देखो, ये चार्ट बना हुआ है, देखो तो तुम्हारे बुक में ये बना हुआ है, बोर्ड कंपोजिशन या स्ट्रक्चर, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैप्टर से लेके आया हूं, मॉड्यूल सेकंड से। आइए देखिए, सबसे पहले सेबी का कहना है कि हर लिस्टेड कंपनी में देयर शुड बी एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जहां पे बोला कि कम से कम 50% तो नॉन एग्जीक्यूटिव होना ही चाहिए, तो इसका मतलब जब तुम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव बोल दिए तो ऑप्टिमम भी लूंगा तो मुझे लगता है 50-50 होगा। एक बात ध्यान रखना है, 50-50 में तुम ऐसे कर सकते हो, इधर देखो, अगर मैं इस यहां लिखू मिनिमम 50% एनईडी और मैक्सिमम 50% ईडी, चलेगा चलेगा, क्योंकि यहां क्या बोला, एटलीस्ट 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, इसका मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्यादा भी हो सकते हैं, है कि नहीं, तो अगर मैंने कंपनी में 60% एनईडी रखा है, 40% ही ईडी रखा है, चलेगा, एकदम चलेगा, मैंने 90% एनईडी रखा है, 10% ईडी रखा है, चलेगा चलेगा, लेकिन मैंने 40% एनईडी रखा है और 60% ईडी रखा है, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 50% तो तुम भी मिनिमम मैक्सिमम जोड़ लो तो चार्ट में, जोड़ लिया, तो ऐसे भी तुम लोगों को बताया नहीं था कि जो सरकार है वो एनईडी आईडी इन सबको ज्यादा मानता है, वो ईडी के बारे में नहीं बोलेगा, ईडी तो अपने आप ही हो जाएगा, ये ज्यादा किसको किसके बारे में बोलेगा, एनईडी और आईडी, अभी मैंने आईडी की बात नहीं की, अभी तक मैं सिर्फ एनईडी की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब हर लिस्टेड कंपनी में 50% तो कम से कम एनईडी होना चाहिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब आइए आगे, बाकी एक बात वो तो जानते ही हो, लिस्टेड कंपनी में एक क्या होनी चाहिए, नारी डायरेक्टर होनी चाहिए। अब आ जाओ इधर, अब हम किसको अपॉइंट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कितना होगा वो डिपेंड करता है तुम्हारे कंपनी का चेयरमैन कैसा है, अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जैसे सुनो इधर रिलायंस में सीएमडी है मुकेश अंबानी, तो मुकेश अंबानी एमडी है, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और चेयरमैन भी वही है, तो इसका मतलब जो मेन मालिक है वो हो गया एग्जीक्यूटिव, तो हमें ज्यादा इंडिपेंडेंट चाहिए बैलेंस करने के लिए, नहीं समझे, जो चेयरमैन सबसे पावरफुल है, सबसे पावरफुल आदमी ईडी हो गया है, तो हमें ज्यादा आईडी की जरूरत होगी तब बैलेंस होगा, तो इस केस में तुम अगर देखोगे तो सीधा हाफ बोल दिया, अगर मान लीजिए वहां पर 10 डायरेक्टर हैं तो 5, 11 हैं तो 6, 16 हैं तो 8, सीधा 1/3 भी नहीं, कंपनी लॉ बोलता था 1/3, ये तो हाफ पे पहुंचा दिया ना, तो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया ना, सेबी का लॉ ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ ना। आइए, अच्छा लेकिन तुम्हारा चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है, चेयरमैन क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव, लेकिन अभी तुम्हें देखना पड़ेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव भी दो तरीके के हो सकते हैं, पहला ये लो है नॉन एग्जीक्यूटिव लेकिन रिलेटेड है किससे, प्रोमोटर से, या रिलेटेड है किससे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, या वन लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वन लेवल बिलो में कौन आता है, कंपनी सेक्रेटरी, सीईओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, ये बड़े बड़े पोस्ट आते हैं, अगर उनसे भी जुड़े हुए हैं तो एक बात बताओ, इतने लोगों से जुड़े हुए हो तुम, इतने लोगों के रिलेटिव हो, तो तुम नॉन एग्जीक्यूटिव कहाँ हो, तुम्हारी हालत तो ईडी जैसी है, अरे नहीं है। अब नीता अंबानी भले ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, पर तुम्हें लगता है कि उसका बायसनेस नहीं है, भयंकर बायसनेस है, अरे उसके पति सीएमडी है, वो तो रिलायंस के लिए कुछ भी करेगी, जो उसके पति बोलेंगे वही तो करेगी, है कि नहीं, जो उनके हस्बैंड बोलेंगे वही तो करेगी, इन रेस्पेक्ट ऑफ क्या, कंपनी, बाकी तो पति की बात मानता ही कौन है आजकल, है कि नहीं, लेकिन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपनी तो मुकेश अंबानी की बात मानती होगी नीता अंबानी, तो याद रखना इसकी हालत भी, इसको भी क्या समझा है, एनईडी है पर एनईडी समझेगा नहीं, फिर वही हाफ, तो क्या इस नॉन एग्जीक्यूटिव होते हुए भी इसको एग्जीक्यूटिव समझ लिया है, हालत भी ऐसे ही है, आप दिखा रहे हो हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, लेकिन आप चूंकि रिलेटेड हैं इन लोगों से तो आपकी हालात एग्जीक्यूटिव जैसे ही तो है। अच्छा तीसरे नंबर पर ये लो, किसी से बेचारा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और किसी से जुड़ा उड़ा नहीं है, तो अब प्योर नॉन एग्जीक्यूटिव हुआ, तो यहां रिलैक्स कर देगा 1/3, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब एक चार्ट मैं इसमें दिखा रहा हूं जो तुमको समझ में नहीं आएगा, वो मॉड्यूल सेकंड का है, एक्चुअली चार्ट ही मॉड्यूल सेकंड से आया, आजकल एक नया शेयर आया है, उस शेयर का नाम ये है, पढ़ो तो, एसआर इक्विटी शेयर, एक नया इक्विटी शेयर आया है, एसआर इक्विटी शेयर, मॉड्यूल सेकंड में पढ़ोगे, जो बच्चा दोनों मॉड्यूल पढ़ता है आजकल मैं वही पढ़ा रहा हूं, एसआर इक्विटी शेयर पढ़ाया, कौन बच्चा दोनों मॉड्यूल पर, कौन है, सुपीरियर वोटिंग राइट वाला नहीं पढ़ाया था, वही है ना ये, अगर सुपीरियर वोटिंग राइट वाली कहानी है
तो उस केस में याद रखिएगा फिर हाफ। अब ये सुपीरियर वोटिंग राइट क्या होता है, मॉड्यूल सेकंड में जाना, तब मॉड्यूल फर्स्ट में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है तुम्हारे पास, है कि नहीं। तो आजकल आया सुपीरियर वोटिंग राइट, तो सुपीरियर वोटिंग राइट वाले शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी तक वो बायबैक हुए नहीं है या वो अभी नॉर्मल शेयर्स में कन्वर्ट हुए नहीं है, तो फिर वही हाफ ऑफ द टोटल डायरेक्टर शेल, एक ही जगह वन थर्ड है, हर जगह तो हाफ ही हाफ है, नहीं कोई दिक्कत। चलो इसको चार्ट बना हुआ है बुक में, लेकिन ये एसआर वाला नहीं बना हुआ, ये बाद में जोड़ा गया, तो जोड़ो कितना किलो उबासी ले चुकी हो अभी तक, कुछ कुछ मैं बोला कि जोड़ा देखते हैं हर पांच पांच मिनट पे उस समय से। एक्चुअली उसका अगला अटेम्प्ट है, बुक है नहीं बेचारी के पास, तो वासी ले लेके सारा सेक्शन अपने अंदर ले रही है। आजा एसआर इक्विटी शेयर आजा, चलिए हो गया। तो मुझे लगता है लिस्टेड कंपनी में ज्यादातर केस में हाफ ही है, क्या है हाफ। अगर लिस्टेड कंपनी में 17 डायरेक्टर हैं तो 9 होगा ना हाफ, अरे 8 थोड़ी होगा यार। अब 8.5 बोलोगे तो क्या मतलब, 8 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसके बाद वाले का आधा पैर काट के ले आए, आदमी आएगा तो पूरा ही आएगा ना। हटाऊं गया विमेन डायरेक्टर कुछ भी हो सकती है, ईडी भी हो सकती है, एनईडी भी हो सकती है, बताया नहीं था। अगर एनईडी हो तो एनईडी में गिनती में जाएगी, ईडी होगी तो ईडी की गिनती में जाएगी, आईडी होगी तो आईडी की गिनती में जाएगी। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब देना, आईडी एनईडी में काउंट होगा? वो तो होगा ही, चूंकि हर आईडी पहले एनईडी है, तो आईडी एनईडी में भी काउंट हो जाएगा। अगर हमने आईडी रखा हुआ है तो उसकी गिनती कहां चलेगी, एनईडी में भी चलेगी, क्योंकि ऐसे अजीब नहीं होगा हाफ पहले आईडी फिर हाफ और एनईडी, कहे ईडी कहां मैं कहां, तो दो बार हाफ होके पूरा हो गया मैं कहां हूं बताओ। तो इसका मतलब हर आईडी पहले एनईडी है ना, तो उसमें तो काउंट हो ही जाएगा ना। एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेक कर लें कि ऐसे चल रहा है कि नहीं, आओ चेक कर लेते। देखिए आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब मैं पहले डायरेक्टर चैप्टर लेता था तो सुबह 7 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक और डेली, आपको विश्वास नहीं होगा, पहला ब्रेक देता था 1:30 बजे 2 बजे 7 बजे से, और उस समय बच्चा पढ़ता था जी। लेकिन आजकल का बच्चा 2 घंटा हुआ नहीं ब्लैक ब्लैक, तभी तो रिजल्ट आता है ब्लैक। तो ये समय मत रहो, जब डायरेक्टर चलता है तो हम लोग भूख प्यास सब भूल जाते हैं और सिर्फ क्या चलता है फिर डायरेक्टर। तो ये आप समझिए इस बात को, अभी जब तक मेरा मन नहीं भरेगा मैं पढ़ाता रहूंगा है। आइए चलिए एक काम करो, तुम पहले यहां तक जरा पढ़ जाओ तो यहां तक इसको अलग करो जैसे मैंने अलग किया। पढ़ लिया जो चार्ट में लिखा हुआ था वही है ना। अच्छा एक बात बताओ, अभी एक जगह लिखा था ये लोग ये ऐसे ऐसे, एक जगह वर्ड नहीं लिखा हुआ था ये देखो कि अगर आप रिलेटेड हैं तो ये आ गया, जोरो इसको। रिलेटेड कब माना जाएगा पहले बताइए आप, कैसे माना जाएगा। नहीं बोला मैंने कि आप अगर प्रोमोटर से रिलेटेड हैं या वन लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड हैं, तो रिलेटेड का मतलब कौन। आइए अगर आप प्रोमोटर लिस्टेड कंपनी है, प्रोमोटर कौन है लिस्टेड कंपनी है, तो याद रखिएगा सारे डायरेक्टर्स आपसे रिलेटेड माने जाएंगे, सिर्फ किसको छोड़ के, आईडी को छोड़ के। आईडी तुम जानते हो ना इंडिपेंडेंट होता है, तो उसको थोड़ी बोलो। अच्छा आईडी अगर है तो रिलेटेड टू प्रमोटर कैसे हो सकता है, क्योंकि आईडी के 149 सबसेक्शन 6 में लिखा हुआ था कि प्रमोटर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अच्छा उस कंपनी के सारे एम्प्लॉय क्या उसके रिलेटेड माने जाएंगे, उस कंपनी के सारे नॉमिनी क्या उसके रिलेटेड माने जाएंगे, यस। तो 1, 2, 3 ये लोग माने जाएंगे रिलेटेड टू प्रोमोटर, अगर प्रोमोटर लिस्टेड कंपनी है तो। लेकिन अगर प्रोमोटर अनलिस्टेड कंपनी है तो कुछ नहीं, सेम कहानी है, अदर देन आईडी नहीं लिखा हुआ बस, क्यों, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी में हो सकता है आईडी ना हो, तो फिर अदर देन बनाने की जरूरत क्या है। तो आइए 1, 2 और 3 तो याद रखना बस यही था, 3 लोग रिलेटेड टू प्रोमोटर माने जाते हैं, बोलो कौन, डायरेक्टर एम्प्लॉइज और नॉमिनी, ये लोग माने जाएंगे रिलेटेड, क्या माने जाएंगे
रिलेटेड। और बाकी ये चीज मैंने चार्ट में जोड़ दिया ना, देखो तो अलग बॉक्स बनाओ, जोड़ दिया ना बाद में। अगर आपके एस आर इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है तो हाफ ऑफ द टोटल डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है जी। अब देखिए यहां पे एक अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन यही कहते हैं कि दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है ना, जरा पढ़िए। तो इसको मैंने काट के छोड़ दिया जो तुम लोग को मालूम होगी इस देश में पैसा का कितना कीमत है। पढ़िए तो, 2022 से कुछ होने वाला था। क्या होने वाला था? हाँ, उन्होंने कह दिया था, सुनो, कि चेयरमैन का पोस्ट अलग होगा, एमडी का पोस्ट अलग होगा। और देखिए, और लिखा कि चेयरमैन हमेशा नॉन एग्जीक्यूटिव होगा। ऐसा होना था, लॉ में आ भी गया। लेकिन इधर देखो, इधर देखो, ये बहुत जरूरी बता रहा हूं, बहुत बड़ा न्यूज है ये। क्या होना था पहले बताओ, कि 2022 से चेयरमैन का पोस्ट अलग होना था, एमडी का पोस्ट अलग होना था, और चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव होता। इस सुनिए इधर देखो, इस चीज से सबसे ज्यादा जो परेशान हुआ वो परेशान हुए मुकेश अंबानी, क्योंकि मुकेश अंबानी अपने कंपनी के सीएमडी हैं, वो एमडी भी हैं और चेयरमैन भी है। तुमने बोला इससे चेयरमैन का पोस्ट छीनो और ये दे दो किसी एनईडी को। अब मुकेश अंबानी तो हमेशा ईडी हैं, तो उनके हाथ से कौन पोस्ट जा रहा था? चेयरमैन का। बस देखो क्या हुआ उसके बाद, मतलब लॉ आ गया और सेबी को लॉ वापस लेना पड़ा, ये अमेंडमेंट वापस हो गया। मैं आप जानते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि अंबानी अडानी को गाली दे रहे हैं, इसका दूसरा पक्ष देखिए कि मेहनत करके हम इतने पावरफुल हो सकते हैं कि हम लॉ बदलवा दें क्या? जो कमजोर लोग होते हैं ना वो लोग गाली देते हैं अमीर को, और जो अमीर बनना चाहते हैं वो अमीर से क्या लेते हैं, सीखते हैं और अमीर बन जाते हैं। तो आप देखिए, लॉ चेंज करा, हम लोग तो लॉ पढ़ने वाले लोग हैं, वो लोग लॉ बनवाते हैं और हटवाते हैं। ये देखिए हटवा दिया, इसलिए मैंने इसको स्मारक बना के रखा है कि जब भी ये आएगा मैं क्लास में बताऊंगा, बच्चों को मोटिवेट करूंगा कि देखो अमीर बनना कितना जरूरी है। अच्छा, मुकेश अंबानी को कभी देखा कि थार पे घूम रहा है बंदूक लहराते हुए, या कभी मारपीट करते हुए कभी देखा ये सब करते हुए? सिर्फ कहां से खेलता है? तो आगे बढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? दिमाग। और कितना शांत है, उल्टा मुझे तो अडानी से ज्यादा मैच्योर अंबानी लगते हैं। आज अडानी ने बस वो आपकी अदालत में आके आज अपना सब कुछ खराब करवा लिया ना। आपको मालूम है जिस दिन वो आपकी अदालत में आया उसके बाद ही तो सब कुछ हुआ, वो जो हिंडनबर्ग वाला हुआ। अब मुकेश अंबानी में ताकत है किसी को भी कि मुकेश अंबानी को बुला ले अपने शो पे? मुकेश अंबानी आएगा? आने से पहले खरीद लेगा उसको? नहीं खरीद लेगा। वो थोड़ा इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं अडानी से हो गया, उसको नहीं आना चाहिए था, है कि नहीं? अंबानी को देख लीजिए, 17 गाली दे देगा कोई, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। एक बार उसका फोटो आया, वो भी आधा दांत दिखाए हुए, अपने पोता को हाथ में लिए हुए, वो भी लग रहा है कि पता नहीं शर्ट कैसे पहने हुआ उसको। देखो कोई कभी देखो वो सूट बूट में बहुत हाई फाई करते हुए, बहुत सिंपल लाइफ जीता वो, और अपने परिवार को जितना बढ़िया से कंट्रोल किया हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। नहीं, सच में अंबानी से सीखना चाहिए। लोग अंबानी को गाली देते रहते हैं पर गाली देने वाले कभी अंबानी बन ही नहीं पाएंगे, उनसे सीखना चाहिए। मैं तो सच में उनसे बहुत ज़्यादा सीखता हूँ और उनके जैसा बनने की कोशिश करता हूँ कि इतनी ग्रेविटी कहाँ से आई उनके पास, गजब का ग्रेविटी है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको 17 गाली दे दो ऐसे देख के चला जाएगा, कहेगा इतना देर में 1 करोड़ रुपया और कमा लूंगा। जी 1 करोड़ 100 करोड़, उनका तो यूनिटी क्या है, 100 करोड़। चलिए बाकी यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी पिछले साल से, लेकिन इस साल से अब कितनी है? 2000। तो सुनो, आपको टिक मारना है सिर्फ 2000। अब 2000 लिस्टेड एंटिटीज के लिए बोल दिया है कि उनके यहां कम से कम मिनिमम 6 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए, मिनिमम 6 डायरेक्टर। तो ये जो तुम कहते हो कि पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर से काम चल जाएगा, वो टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी में नहीं चलेगा। टॉप 2000 समझे, भारत में 50-60 हजार लिस्टेड कंपनी है, उसमें से क्या निकाल लो टॉप 2000। उनके यहां तो कम से कम 6 डायरेक्टर चाहिए। तो क्या मिनिमम 1-2-3 है या 1-2-3-6? ओपीसी में, प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, लेकिन टॉप 2000 लिस्टेड है तो 6। तो स्मार्ट वो बच्चा दिखेगा जो ये भी बोलेगा।
तो एक दो तीन बोल के मत छोड़ो, 1 2 3 6, 1 2 3 6 बोलिए, 1 2 3 6। वन किसके लिए, टू किसके लिए, थ्री किसके लिए, लेकिन टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी हो तो सिक्स बोलना है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का ना आवाज नहीं निकल पा रहा, कुछ और ही बोल देंगे। चलिए, कौन से कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखना चाहोगे तुम लोग, तुम जो बोलो मैं वो दिखा दूंगा। देखो सरकारी कंपनी का क्यों नहीं दिखाता हूं मालूम है, हजार तो एग्जेम्पशन लेके बैठा रहता है, तो वहां पे लॉ अच्छा लगते हुए दिखाई नहीं देता। तुम किसी भी कंपनी का नाम बोल दो यार, रिलायंस का बोलो, रिलायंस का दिखा देता हूं, बोलो कौन देखोगे। कहा टाटा पे पीछे पड़ गए, टाटा है मुथूट मर्जर वैलेंटाइन, क्या बोल रहे हो, भारतीय एयरटेल, हाँ अच्छी कंपनी, भले ही नेटवर्क आए ना इसका, लेकिन अच्छी कंपनी। अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खोजा तो क्या निकल गया, आ गया, क्या लिखा हुआ रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो यहां क्या लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देखो बोर्ड कंपोजिशन जरा देखिए, तो इन्होंने एनईडी कितना रखा हुआ है, एनईडी और आईडी दोनों मिला के हो जाएगा ना, नहीं समझ में आया लोग को, आओ जब तुम एनईडी की गिनती करोगे तो दोनों को गिनती करोगे ना, तो देखिए सब मिला के डायरेक्टर 6 3 9 2 11, 11 में से 9 रखे हुआ एनईडी, अरे 11 में से 9 क्या है एनईडी, नहीं दोनों को मिला के गिनूंगा ना। अच्छा एक बात बताइए, 11 का हाफ क्या होता है, 5.5, 5.5 डायरेक्टर लाओगे तुम कि 6, तो देखो 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखे हुआ, लिस्टेड कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी में हाफ ऑफ द टोटल डायरेक्टर शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आ गया, देख रहा है ना। अच्छा मेन वेमेन को देख लो, कम से कम एक लिस्टेड कंपनी है तो एक वेमेन होनी चाहिए, 3 को रखे हुआ, तो चिंता करने का एकदम जरूरी नहीं है, है ना, काफी वेमेन है। आइए ये देख लो, यहां पे सुनील भारती मित्तल चेयरमैन, प्रदीप कुमार सिन्हा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस चुआ सॉक कुंग है ना नॉन एनईडी, गोपाल मित्तल एमडी एंड सीईओ, निसाबा गोदरेज दिनेश कुमार मित्तल, मिस्टर ताऊ इव आर्थर लंग, राकेश भारती मित्तल विके, तो ये सब पूरा है ना। आप इनका केएमपी देखेंगे, आओ बताओ केएमपी में कौन कौन है, देखो गोपाल मित्तल एमडी एंड सीईओ, सोमन रे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और पंकज तिवारी कंपनी सेक्रेटरी है। कभी सब इंस्टाग्राम पे फोटो लगाओगे कि यहां भी आना चाहिए फोटो है, और यहां फिल्टर की जरूरत नहीं है, इतना पैसा अपने आप फिल्टर्ड है कि नहीं, बोलो का सर स्क्रीनशॉट लेके हम एडिट कर देंगे सर, और यहां पे आप देखिए हमारा मुस्कुराता हुआ फोटो नजर आएगा, है ना। बताइए आप किसी को भी सीएस के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, ये सब दिखाइए ना, कितना अच्छा लग रहा है बताइए, और किसी का नाम है बताओ, और किसी का, आईआईटी का इंजीनियर, एमबीए जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी क्या है, की मैनेजेरियल पर्सनल, तो देख लिया ना तुमने, और तो किसी कंपनी का नहीं देखना, कहा नहीं ब्रेक के बाद दिखाइएगा जो दिखाना आप। आइए आगे, अब तो खत्म ही है, देखो करना तो आज ही है मुझे, आज ये चैप्टर भी खत्म करना है, जीएसटी का भी चैप्टर खत्म, चाहे रात हो जाए, कहा रात हो जाए, पर खिलाइए पिलाइए थोड़ा सा, ऐसे तो हम बेहोश हो जाएंगे। क्या टाइम हुआ है, 1:54, अरे 2 बज गया, देखिए डायरेक्टर की महिमा देखिए, हमें पता ही नहीं चला, हम इतने रश में खो गए है? अच्छा तुम लोग पता चला, मतलब तुम लोग 1 बजे से देख रहे हो गया, मतलब कब मेरे जैसा ये लोग होगा, मतलब हद हाल हो गया, काम आपके ऐसा नहीं बनेंगे। चलिए सीएस बनने के बाद तो हमें कहां से पढ़ना पड़ेगा ब्रेक के बाद, क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अच्छा चलो ठीक है, तो तुम लोग ब्रेक दे देता हूं, नहीं तो तुम लोग मार्केट पे उतर जाओगे।